हेलो ब्रियन, नमस्कार। मैं हूं सराज। चले नए वीडियो के साथ आते हैं गोटबंदर रोड थाने में। आज एक्चुअली मैं घर पे ही था, घर से पूरा काम कर रहा था। सो मेरे पास बहुत सारे अभी इन्वेंट्री एक गोटबंदर रोड पे आए हुए हैं। 1 BHK के है और 2 BHK के भी है। फिलहाल ये मैं आपको इस वीडियो में 1 BHK का फ्लैट बताऊँगा। सब रीसेल प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे गोटबंदर रोड, कासर रोड वाली लोकेशन, आनंद नगर एंड अपना यहाँ तक ओला तक। तो ये लोकेशन में देखा जाएंगे तो मेरे पास प्रॉपर्टीज़ आए हुए हैं जो रीसेल प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे। सो अभी मैं एक्चुअली आज घर पे ही था। मैं बालकनी में ही खड़ा होकर थोड़ा सा जरा आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो रीसेल प्रॉपर्टी जिनको रिक्वायरमेंट रहती है, रेडी टू मूव में चाहिए रहता है, तो वो अवेलेबल है। जो बजट के हिसाब से मैं आपको प्राइसिंग बता दूंगा और कॉम्प्लेक्स का नाम बता दूंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बता था कि 1 BHK जो फ्लैट्स है पूरे यहाँ पे, फियामा करके रेसिडेंसी है जो एक्चुअली ओला में आता है यहाँ पे एंड कासरोड ओली के बीच में आता है यहाँ पे। तो ये प्राइसिंग जो है इसका 48 लाख है, फ्लैट कॉस्ट है, प्लस स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन वो एंड सोसाइटी ट्रांसफ़र का वो अलग चार्जेस आ जाएगा। पुरानी होम टाउन का है जो है 49 लाख है फ्लैट कॉस्ट। फिर से आपको पुरानिक्स होम टाउन में भी है 50 लाख वाला फ्लैट कॉस्ट है। पुरानिक्स ऑपस एक होम टाउन में है 51 लाख में है, वो भी एक आ रहा है। विहांग वैली फेज 3 में है यहाँ पे, आपको वो भी 50 लाख में आ जा रहा है। कृष्णा ग्रीन लैंड मार्क करके है यहाँ पे 51 लाख से ज़्यादा फ्लैट कॉस्ट है। ये परिजात करके गार्डन्स है मेरे कॉम्प्लेक्स के जस्ट, ये जो मेरी कॉम्प्लेक्स है जो मैं अभी मेरे घर पे है जस्ट उसके बाजू में कॉम्प्लेक्स है एक परिजात गार्डन करके है, वहाँ पे 52 लाख है फ्लैट कॉस्ट है। यहाँ पे श्री रुस्ती करके कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर 55 लाख से फ्लैट कॉस्ट है यहाँ पे। एंड उन्नति ग्रीन्स में है, आनंद नगर में आ जाता है, सॉरी ये कासरोडली आ जाता है उन्नति ग्रीन्स में, 55 लाख आ जाता है फ्लैट कॉस्ट आ जाता है यहाँ पे। एंड पुरानी सिटी फेज 2 में 60 लाख से फ्लैट कॉस्ट है। उन्नति वुड्स जो फेज 7 है 62 लाख आ जाता है फ्लैट कॉस्ट है। ये जो उन्नति वुड्स जो है आपको यहाँ पे आ जाता है आनंद नगर के साइड में आ जाता है। श्री सरनम करके है वो टावर है, वो 65 लाख से आ जाता है फ्लैट कॉस्ट यहाँ पे। पुरानी रूमाबाली करके है, उसमें 1 BHK जो 68 लाख से लेके 70 लाख के बीच में आ जाता है 1 BHK। अशोक स्मृति करके है, 3 फ्लैट है इसके अंदर, 70 लाख आ जाता है फ्लैट कॉस्ट है ये। महावीर कल्पवृक्ष करके है, 2 फ्लैट्स है, 70 लाख आ जाता है फ्लैट कॉस्ट। हिल स्प्रिंग करके है, उसमें 75 लाख आ जाता है फ्लैट कॉस्ट आ जाता है। और एक पार्क वुड्स में है जो 85 लाख आ जाता है फ्लैट कॉस्ट करके। अभी ये जो कम से कम कारपेट देखा जाएंगे तो आपको 390 से लेके आपको कुछ 480 या 500 के बीच में आ जाएगा कारपेट, जो यूजबल कारपेट रहेगा। बट ये जो फ्लैट्स है, ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, आपको साइड विजिट के लिए ही आना पड़ेगा। इसका फ़ोटो वीडियो नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये रीसेल प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी कुछ फ्लैट बंद है, कुछ रेंटल फ्लैट है, रेंटल रहते हैं उसमें, तो इसके वजह से फ़ोटो और वीडियोस नहीं मिल पाएंगे। तो आपको विजिट ही करना पड़ेगा डायरेक्टली प्रॉपर्टी देखने के लिए, तो आपके लिए बेस्ट है। इसमें तो आपको इस वीडियो में मैं सिर्फ 1 BHK ही बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 BHK भी बताऊँगा, बट अभी फ़िलहाल ये 1 BHK के लिए है। तो आपके बजट में बैठ रहा है और आपको प्रॉपर्टी लेना है, रीसेल प्रॉपर्टी में जाना है, रेडी टू मूव में देख रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर कॉल करिए साइड विजिट के लिए। और हाँ, और एक बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपको ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा, क्योंकि ब्रोकरेज चार्जेस इसलिए लगेगा क्योंकि ये रीसेल प्रॉपर्टी है, रीसेल प्रॉपर्टी होने के वजह से आपको ब्रोकरेज चार्जेस। अभी ये जो जितने भी फ्लैट्स मिले हैं ना, ये डायरेक्ट मेरे ओनर से नहीं मिले हुए हैं ये, हाँ डायरेक्ट मेरे पास ओनर के रहते थे ना तो आपको ब्रोकरेज चार्जेस नहीं देना पड़ता था। बट ये मुझे मेरे जो टीम काम करती है, मेरे जो रियल एस्टेट जो यहाँ पे कंसल्टिंग है, उनके थ्रू से मेरे पास आया हुआ है। उन्होंने बोला कि वीडियो डाल दीजिए बना के और आपको भी फ़ायदा हो जाएगा, हमको भी फ़ायदा हो जाएगा और आपको भी थोड़ा सा प्राइसिंग रेट में निगोशिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा यहाँ पे। तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया उस पर कॉल करिए साइड विजिट के लिए। और ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन बताने के लिए गोटबंदर रोड पे। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए। सबका मुझे बेल आइकन है वो भी प्रेस करके आने वाले नोटिस सबसे पहले मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, टेक केयर, बाय।